दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज़ कब करते हैं और इस पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सारी बातें जो करेंगे वो कंपनी लेवल की जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जब मेंटेन करी जाती है तो उस कंपनी में अक्सर पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्रियाँ करी जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो या टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का अभी कोई कोर्स आप कर रहे हो तो आज की इस वीडियो को आपको एंड तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पर जाओगे तो अक्सर आपको इस टाइप की एंट्रियाँ करने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो सारा ही नॉलेजेबल रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री करने से पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए ताकि जब हम पोस्ट डेटेड वाउचर से रिलेटेड जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके जो प्रैक्टिकल वीडियो वो हमारे माइंड में जल्दी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों पोस्ट डेटेड वाउचर यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक तरीके का एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट का मतलब हमारे बुक्स में जो ट्रांजेक्शन हमने कर रखी है उसको हम ओपन कर लेते हैं। हम जाएंगे डे बुक पर और ऐप टू करके हम पूरी ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमने पूरी डे बुक ओपन कर ली है 1 अप्रैल 2021 से लेके 20 अगस्त 2021 तक की। तो दोस्तों पोस्ट डेटेड यानी कि अब मान लीजिए जैसा कि हमारे पास एक सप्लायर है श्री बालाजी ट्रेडर्स और इनसे हमने सामान खरीदा है 1 अगस्त में 48,675 रुपये और 50 पैसे का। अब मान लीजिए हमने इस इन्वॉइस के अगेंस्ट में कुछ जो पेमेंट है वो हमने साथ के साथ ही पे कर दी, मान ली 20,000 रुपये हमने साथ के साथ ही पे कर दिया। अब उसके बाद में जो डिफरेंस अमाउंट बचेगी उसका हमने 5,000 रुपये का इनको एडवांस चेक दे दिए अलग अलग डेट के। जैसे कि कुछ 5,000 का चेक हमने 15 सितंबर को दे दिया, 5,000 का चेक 5 अक्टूबर को दे दिया, इसी तरीके से 5,000 का चेक उनको 30 नवंबर 2021 का दे दिया, यानी कि एडवांस पेमेंट इनको पहले से ही दे दिए, चेक इनको दे दिए। या फिर इस तरीके से हमारे साथ ये हो सकता है जैसा कि हमारे पास एक कस्टमर है राजकुमार, इनको हमने 20 अगस्त 2021 को गुड सेल किया और जो अमाउंट है इनवॉइस का वो 26,550 रुपये की है। अब मान लीजिए इस कस्टमर ने हमें 5,000 रुपये की पेमेंट साथ के साथ ही कर दी और बाकी इन्होंने आगे की डेटों के चेक काट दिए। मान लीजिए जैसे कि 2,000 रुपये का चेक है जो सितंबर मंथ का काट दिया, कुछ अक्टूबर का, कुछ नवंबर का, कुछ दिसंबर का, इस तरीके से एडवांस पेमेंट का चेक हमें पहले से ही दे दिया। तो दोस्तों पोस्ट डेटेड वाउचर का मतलब हो गया भी जिस दिन का चेक हमें मिला है उस एंट्री का जो इफेक्ट है हमें उसी तारीख को ही देखने को मिले, लेकिन उन सभी चेक की एंट्री हम आज ही कर लेंगे और आज करने के बाद में उसके हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है चाहे वो हमारी बैलेंस शीट है उस पर उन वाउचर्स का, उन चेक्स का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आना चाहिए हम ये सारी बातें प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट में जब हम पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे, तो इसके लिए हम वाउचर पे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात हमें और देखनी है, अभी आप देख रहे हो हमारे पास जो डेट ऑफ लास्ट एंट्री आ रही है वो 20 अगस्त 2021 की आ रही है, क्योंकि हमने जो लास्ट ट्रांजैक्शन करी थी हमारी वो 20 अगस्त की ही है, वो 20 अगस्त को जो हमने सेल इनवॉइस किया है। अब हम पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए हमने हमारे बालाजी ट्रेडर्स को पेमेंट करी है 15 सितंबर का चेक हमने उनको दे दिया है, तो डेट हम डालेंगे 15 सितंबर। ओके तो उसके बाद में आप देख रहे हो अगर हम बगैर पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री कर लेंगे तो इसका इफेक्ट है वो आज ही हमारे बुक्स पे आना शुरू हो जाएगा, जबकि हम चाहे भी ये जो 15 तारीख वाली हम जो एंट्री यहाँ पर डाल रहे हैं बालाजी ट्रेडर्स की वो हमें इसका जो इफेक्ट है वो 15 तारीख तक पहुँचने के बाद ही हमें शो, आज इसका इफेक्ट नया हमारे बुक्स पर आए। तो इसके लिए हमें कंट्रोल टी को सेलेक्ट यूज करेंगे शॉर्टकट यानी कि पोस्ट डेटेड, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस के ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट डेटेड का। तो बालाजी ट्रेडर्स मान लीजिए हमने इनको 15 सितंबर को 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस जो इनवॉइस नंबर है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद में मान लीजिए हमने SBI बैंक का चेक दे दिया, तो जैसे ही हम चेक की एंट्री करेंगे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके की विंडो हमारे सामने आएगी और उसके बाद में स्टार्ट हम चेक का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं भी कितने नंबर चेक है। मान लीजिए उनको हमने जो चेक दिया है वो 101 101, और जो स्टार्ट डेट है वो 15 सितंबर है और उसके बाद में फेवरिंग टू बालाजी ट्रेडर्स के नाम से है और उसके बाद में PDC इशू डेट यानी कि आपने जो पोस्ट डेट का जो चेक दिए आगे की डेट का वो आपने इशू कब किया है। तो अब मान लीजिए हमने जो डेट का जो चेक किया है वो हमने
20 तारीख को ही चेक दे दिया, तो हम यहाँ पे 20 अगस्त भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में पीडीसी नोट्स, अगर पीडीसी नोट इस वाउचर के अगेंस्ट के अंदर अगर आप कोई नरेशन देना चाहते हो चेक के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। भी मान लीजिए आपने ये चीज़ कहा भी, अगर आप चेक जिस दिन आप हमारा चेक लगाओगे उस दिन हमारे से एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना, तो हम इसको एक बार यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, प्लीज कन्फर्म बिफोर चेक, यानी कि चेक लगाने से पहले आप हमें से एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना। उसके बाद में अलग से कोई रिमार्क्स अगर आपको देना चाहे तो हम दे सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो भी इनवॉइस नंबर जो भी आपके था उसके अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट है जो करी है, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों अभी आपके सामने हमने जो डेट की एंट्री करी थी वो 15 सितंबर को करी है, लेकिन अगर हम हमारी वापस डैशबोर्ड पर आके देखें तो अभी आपको जो इफेक्ट दिखा रहा है लास्ट डेट एंट्री वो 20 अगस्त ही दिखा रहा है। इसी तरीके से हम एक एंट्री और करेंगे, मान लीजिए एक चेक हमने उनको 15 अक्टूबर का दे दिया, 15 अगस्त का बालाजी ट्रेडर्स, और ये 7000 रुपये का चेक हमने एडवांस पे कर दिया, पोस्ट डेटेड है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पोस्ट डेटेड को लाना जरूर होगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसके लिए आपको कंट्रोल टी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने चेक दे दिया लेकिन गलती से आपने पोस्ट डेटेड नहीं डाला तो इसका इफेक्ट क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर पोस्ट डेटेड हमने नहीं लिया, तो इसकी विंडो के अंदर जो पोस्टिंग डिटेल से संबंधित जो ऑप्शन आ रहे थे वो सारे हिडन हो गए हैं। तो अब उसके बाद में जो चेक का नंबर 101, 102 हमने डाल दिया, उसके बाद में रिमार्क्स अगर कुछ लिखना चाहे तो हम एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस वाउचर को सेव करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो हम जो एंट्री कर रहे हैं वो 15 अक्टूबर 2021 की कर रहे हैं, और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे डैशबोर्ड पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारी जो लास्ट डेट की एंट्री है वो 15 अक्टूबर 2021 से होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो हमने पोस्ट डेटेड उसको सेलेक्ट नहीं किया। अगर उसको पोस्ट डेटेड हम कर देंगे तो हमारी जो वापस ट्रांजेक्शन है वो 20 अगस्त 2021 ही शो करना शुरू कर देगा। तो वापस हम बालाजी ट्रेडर्स के लेजर पे चलते हैं। तो उसके बाद में ये जो 7000 रुपये का पेमेंट था इसको हमने पोस्ट डेटेड नहीं किया, तो हम यहाँ पे इस पर सिंपल पोस्ट डेटेड कर देंगे। और उसके बाद में आप इस पर जाएंगे तो आप देख रहे हो ये ऑप्शन वापस आने शुरू हो गए हैं। तो इसको इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर हम डाल देंगे, इशू डेट मान लीजिए ये चेक भी हमने 1 अगस्त को ही दे दिया था। पीडीसी नोट्स के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वापस हम डैशबोर्ड पर आएंगे, तो डैशबोर्ड पर आते ही आप देख रहे हो यहाँ पर जो डेट ऑफ लास्ट एंट्री है वो 20 अगस्त ही है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कस्टमर है राजकुमार, उसकी पेमेंट हमारे पास आई है वो भी एडवांस डेट की है। तो इसके लिए हम वाउचर पर जाएंगे, और अब हमारी ये रिसिप्ट वाउचर बन गया, और रिसिप्ट वाउचर को भी हम पोस्ट डेटेड पर ही डालेंगे। अब मान लीजिए इसका चेक हमारे पास आ गया 2 अक्टूबर का, बालाजी राजकुमार को सिलेक्ट करेंगे कस्टमर को, और उसके बाद में 3000 रुपये मान लीजिए चेक इनको हमारे पास आ गया, अगेंस्ट रेफरेंस जो इनवॉइस नंबर 1 था उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर देंगे, और हमने SBI बैंक में ही इसको लगाना है। तो उसके बाद में डिटेल सारी, अब चेक का नंबर, तो चेक का नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, मान लीजिए कस्टमर ने हमें उसको 20 अगस्त को ही चेक दे दिया, तो यहाँ पर तो डेट हम 2 अक्टूबर रह गया, और यहाँ पर बैंक नेम यानी कि उस पार्टी का जो बैंक है वो कौन सा है, राजकुमार का कस्टमर का बैंक नेम यहाँ से पूछा जा रहा है। तो अब हम मान लीजिए यहाँ पर उनका जो चेक है हम HDFC बैंक कर देते हैं, और उसकी जो ब्रांच है वो हम एक बार रायसेनगर डाल देते हैं, और उसके बाद में रिसीव्ड फ्रॉम राजकुमार रहेगा, और PDC रिसीव्ड डेट यहाँ पर हम डाल देंगे 20 अगस्त, और उसके बाद में PDC नोट्स, अगर इस नोट्स के बारे में चेक के बारे में अगर कोई नोट्स हमें लिखना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हो भी ये जो आया है अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आप इस तरीके से भी कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं, और रिमार्क्स भी हम कुछ अलग से लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद में इस वाउचर को एक्सेप्ट करने के बाद में हम वापस डेट ऑफ लास्ट एंट्री पर आकर देखेंगे, तो ये हमारा जो लास्ट डेट एंट्री अभी भी 20 अगस्त ही शो कर रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट पे जाके देखें तो बैलेंस शीट भी अभी आपको 20 अगस्त 2021 ही शो कर रहे हैं। और अब हम चलते हमारे लेजर्स पर, क्रेडिटर पर आएंगे। अब बालाजी ट्रेडर्स का लेजर जैसे कि हमने ओपन कर लिया है, तो अब जैसे हमने ओपन किया है तो आप यहाँ पर इसके ट्रांजेक्शन अगर देखें तो 48,675 रुपये का और 50 पैसे का हमारे पास ये इनवॉइस था, और उसके अगेंस्ट में हमने इनको 2 पेमेंट कर दिया, एक 5000 रुपये का और एक 7000 रुपये का, और यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग बैलेंस जो शो करेगा वो 36,675 रुपये और 50 पैसे के अमाउंट का शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इफेक्ट डालें इसका
तो ये यहाँ पर आपको पूरी जो नेट अमाउंट है इन्वॉइस की 48,675 रुपये और 50 पैसे का ही शो करेगा क्लोजिंग बैलेंस है जो। इसी तरीके से जो हमारा कस्टमर है राजकुमार, अब इस कस्टमर के अगेंस्ट में जैसा कि हमने दो ट्रांजेक्शन होगी, एक को हम डिलीट करेंगे, तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो इसका जो इफेक्ट आएगा तो 26,550 रुपये का इनवॉइस है और उसके बाद में 26,575 यहाँ पे डेबिट और 3,000 पे क्रेडिट होने के बाद में 23,550 रुपये का जो बैलेंस है बच गया। लेकिन अगर हम इसका फाइनल बैलेंस देखें तो वो अभी भी आपको 26,550 रुपये ही शो करेगा इस पूरे इनवॉइस की अमाउंट का। तो जब तक ये चेक हमारे उस डेट तक हम पहुंच नहीं जाते, मान लीजिए अभी जो आप डेट देख रहे हो ये 1 अप्रैल से लेकर 20 अगस्त तक ही आपको शो करेगा। अब मान लीजिए आप यहाँ से इसकी डेट चेंज हम करते हैं भी एफ टू करके 1/4 से लेके हम 31/12/2021 करते हैं, तो जैसे हम 21 करेंगे तो उसके बाद में आपको 23,550 रुपये का बैलेंस है जो शो करना शुरू करेगा, क्योंकि हमने जो पोस्ट डेटेड की एंट्री करी थी अक्टूबर की उस डेट के बाद में पहुंचने के बाद ही आपका ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इफेक्ट है जो दिखाई देना शुरू देगा। इसी तरीके से बालाजी ट्रेडर्स और बालाजी ट्रेडर्स का अगर हम 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक के ट्रांजेक्शन देखें तो आपको यहाँ पर इसका जो नेट इफेक्ट है बैलेंस का वो यहाँ पर शो करेगा। और जैसे हम वापस हमारे डैशबोर्ड पर बैक आ जाएंगे तो आपको अभी भी जो डेट ऑफ लास्ट एंट्री है वो 20 अगस्त 2021 ही शो करेगा। तो उसके बाद में अगर हम कोई पोस्ट डेटेड वाउचर की ट्रांजेक्शन देखना चाहें भी कौन कौन से ऐसे चेक हैं जो हमारे अभी लगने हैं और हमने किसी के लगाने हैं, तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली पे आएंगे, आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, इस पर आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट डेटेड समरी मिल जाएगी। हम पोस्ट डेटेड पर एंटर प्रेस करेंगे, SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको ये सारी डिटेल है जो शो करना शुरू कर देगा भी आपने 3,000 रुपये तो रिसीव्ड कर रहे हैं और 5,000 और 7,000 रुपये के दो चेक आपने इश्यू कर रखे हैं, इस पर हम इंटर मारेंगे तो ये डिटेल आपके सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे कि ये 15 सितंबर 2021 का इश्यू आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आपने जो इसकी डिटेल डाली थी प्लीज़ कन्फर्म बिफोर चेक का वो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में चेक का नंबर, इसके चेक की डेट और उसके बाद में इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग, यानी कि अभी तक ये जो चेक है क्लियर हुआ नहीं है। अब मान लीजिए आपने तो जो चेक है वो 15 सितंबर 2021 को डेट का इश्यू कर दिया, मान लीजिए अब आपका जो सप्लायर है उसने 20 सितंबर 2021 को बैंक में इसको लगाया है, तो जब भी जैसे भी लगाएगा तो हम इस एंट्री को ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पर जो पोस्ट डेटेड वाउचर आपका जो लिखा रहा है इसकी जगह हम यहाँ पर इसको कर देंगे करंट, और जैसे हम करंट कर देंगे और जिस तारीख का चेक है जो आपने इशू किया कस्टमर ने चाहे आपका चाहे वो 20 ने लगाया चाहे 25 को लगाया चाहे 26 को लगाया उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जिस तारीख को चेक काटा है उसी तारीख की ही एंट्री आपको अपने बुक्स में रखनी है। और इसके बाद में हम कंट्रोल ए से इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी डैशबोर्ड पे आने के बाद में हमारी जो लास्ट डेट वाउचर की जो ट्रांजेक्शन है वो 15 सितंबर हो जाएगी, क्योंकि अब ये 15 सितंबर को लास्ट डेट मान रहा है भी आपने चेक का जो इशू कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी पोस्ट डेटेड की जो ट्रांजेक्शन पेंडिंग है उसको हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो जो 5,000 रुपये का जो स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा था वो क्लियर हो गया, अब ये 7,000 रुपये का एक पेंडिंग है और ये हमारे पास जो रिसीव हमें होना है 3,000 रुपये का एक ये अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो इस तरीके से हम पेंडिंग रिपोर्ट्स को भी साथ के साथ है जो देख सकते हैं भी कौन से अमाउंट का चेक अभी क्लियर हो गया है कौन से का नहीं हुआ है, जो जिसका बकाया पड़ा है उसका बकाया रहेगा और जिसका क्लियर हो चुका है वो हम यहाँ से जाके इसको क्लियर करते रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल भी लगी होगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक देके जरूर जाना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।